अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन भी हो गई और रिव्यू भी हो गया। कॉपी वर्क कैसे करना है कि आपको इस तरह का प्लानर मिला है, ठीक है, और ये जो प्लानर आपको मिला है इसमें आपको ये टैगिंग नज़र आ रही है, तो आपने इसको स्केल से यहाँ से इसको कट करना है और कट करके अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लास्ट काम जो है वो यहाँ पर हुआ हुआ है इस पेज पर, तो आपने फिर इस पेज पर यहाँ पर जो है वो काम करेंगे। सेकंड थिंग, काम कैसे करेंगे कि आपको जो ये वाला वर्क नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी वर्क, ये वाला काम कॉपी में होगा और क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से, लाइक दिस। यहाँ पर आप डेट डालेंगे नीट एंड क्लीन, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ये भी आपने कॉपी में करने हैं। इसके अलावा एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ योर हैंड इन ब्लैंक पेज एंड राइट 5 सेंसेस ऑन फिंगर्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ड्रॉ एक पिक्चर जो है वो हैंड की दिखाई थी, तो आपने अपना हैंड प्लेस करना है ब्लैंक पेज पर, कहाँ पर, यहाँ पर, इधर आपने अपना हैंड प्लेस करना है और इधर आपने अपना हैंड प्लेस करना है और हैंड प्लेस करके ट्रेस करना है और उस पर 5 सेंसेस जो हैं वो लिखने हैं। कौन कौन से हैं वो अभी आपको वीडियो में दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो आपको ये बुक वर्क दिया गया है, ये काम आपने बुक में करना है। और बुक में कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन बुक पेज नंबर 13, सो गो टू पेज नंबर 13 और यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो आपने इनके आंसर्स ख़ुद लिखने हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप आंसर्स यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक मैच द कॉलम मैंने आपको करके दिखाया है, दूसरा मैच द कॉलम आप बाकी जो मैच द कॉलम्स हैं वो ख़ुद करेंगे कि किस सेंस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। स्केल से लाइन प्लेस कीजिएगा ताकि आपका काम नीट एंड क्लीन हो। बुक पर यहाँ पर भी आप डेट लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ अपनी बुक्स पर यहाँ पर नाम लिख लीजिए या यहाँ पर नाम लिख लीजिए, कंप्लीट नेम। इसके अलावा अपनी कॉपीज़ पर भी नेम लिख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि कॉपी इंटरलीफ वाली है। गॉट इट। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग, एक और क्वेश्चन है, डू द एक्टिविटी 4 इन बुक ऑन पेज नंबर 14, सो गो टू पेज नंबर 14। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। इसमें बोला गया है टिक द सेंसेस यू यूज़ फॉर ईच आइटम बिलो, क्रॉस द वंस यू डू नॉट यूज़, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको पहली एक एग्जांपल करके दिखाइए, बाकी जितने भी चीज़ें हैं आइटम हैं उनके बारे में लिखना है कि आप उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें टिक लगाएंगे और जो नहीं कर सकते उसमें क्रॉस लगाएंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट पर आपका नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए जिस दिन आप करेंगे। इसके अलावा ये वर्कशीट्स खुद से करेंगे और लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे कॉपी में, ठीक है। इंडेक्स कैसे बनाना है, इंडेक्स आप ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे इंडेक्स लाजमी बनाना है, यूनिट नंबर 2 आर सेंस ऑर्गन्स। सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो आप लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। जिस दिन किए हों क्वेश्चन आंसर वहाँ पर आप इसकी डेट यहाँ मेंशन करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स की हैं तो उसकी डेट भी जिस दिन आपने किए हों यहाँ मेंशन करेंगे, सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे। थर्ड, फिर आ जाता है आपके पास वर्कशीट, वर्कशीट की डेट भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है वो
इंडेक्स बनेगा। यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए, यहाँ पर आपकी टीचर आपके सिग्नेचर करेगी। प्रीवियस आपका जो काम हुआ था उसका भी इंडेक्स कंप्लीट नहीं है, तो काइंडली अपने इंडेक्स को कंप्लीट कीजिए और डेट लाजमी मेंशन कीजिए हर पेज पर। ओके okay?